हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इनके क्लासिफिकेशन पर बेस्ड एमसीक्यूज पर, यानी अकशेरुकी जंतुओं के वर्गीकरण पर। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोवंस विथ क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर्स बिलोंग टू क्लास। ये जो क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं ये आपके बिलोंग करते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा से। नेक्स्ट है, होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन क्लास। तो होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका फाइटोमेस्टिगोफोरा में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सीडोपोडिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गनेल्स इन सुपर क्लास। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सार्कोडिना। नेक्स्ट है, सन एनिमेक्यूल्स बिलोंग टू सब क्लास। राइट आंसर ऑप्शन सी, हेलियोजोआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोफोडियन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोक्सोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द प्रोटोजोवंस इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है, ये होता है आपका ऑप्शन बी, योग्लिना। नेक्स्ट है, प्रोटोजोवंस पैरासिटिक ऑन एल्गी बिलोंग टू सुपर क्लास। ऑप्शन ए, प्रोटियोमिक्सिडिया। नेक्स्ट है, एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोवन बिलोंग टू क्लास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीलियोस्पोरा, टीलियोस्पोरिया। नेक्स्ट है, प्रोटोस्पंजिया इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आपका दो कॉलम दिए हैं, मैच करना है। तो लेशमिनिया ये आपका मैच होगा जूमेस्टिगोफोरा से। ट्राइकोनिम्फा ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन से। अमोबा, लोबोसिया, आर्सेला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, नॉक्टिलिका का होगा बायोल्यूमिनेसेंट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये बोलते हैं आपका जियार्डिया का। नेक्स्ट है, कॉमन बाथ स्पंज बिलोंग टू जीनस यूस्पॉन्जिया। नेक्स्ट है, एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोसोलिनिया। नेक्स्ट है, डैश इज नोन एज मेरमैड्स ग्लोव्स। तो मेरमैड ग्लोव्स बोलते हैं आपका
चेली नाक। जियोर्डिया बिलोंग्स टू फाइलम, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी जियोर्डिया नहीं है, देखो जियोडिया है, जियोर्डिया तो आपका प्रोटोजोन्स में आ गया, जियोर्डिया जो है ये आपका आता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोरीफेरा। बहुत ध्यान से करने वाला है, जियोर्डिया और जियोर्डिया में अंतर होता है, जियोर्डिया जो है प्रोटोजोन है और जियोर्डिया जो है पोरीफेरा है, मैरिन पोरीफोर से ये। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज, राइट आंसर ऑप्शन ए माइनिया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसमें अगर आप मैच कराएंगे इसमें क्लियोनिया जो है, क्लियोना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ये बोरिंग स्पंज है, और फिरोनीमा जो है ये आपका हो जाएगा बाउल स्पंज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, और आपका बच्चा हेलिकोंड्रिया ये आपका हो जाएगा क्रम्प ऑफ ब्रेड स्पंज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैच करा के देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पॉलिप स्टेज इज नॉट फाउंड इन, पॉलिप स्टेज जो नहीं पाई जाती है ये पाई जाती है आपका स्काइफोजोआ में। नेक्स्ट है क्लास विथ ओनली पॉलिप इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोजोआ। नेक्स्ट है ट्रू और स्टोनी कोरल्स आर फाउंड इन सब क्लास, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेक्जे कोरेलिया। नेक्स्ट है एल्कायोनियम इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए डेड मैन्स फिंगर। नेक्स्ट है कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय मैड्री पोरेरिया। नेक्स्ट है एन एनिमल विथ अ हीमोसील इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटीपीड, हीमोसील पूछा गया है, ऑप्शन बी सेंटीपीड। डैश इज सॉलिटरी कोरल, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंजिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स हॉर्नी स्केलेटन, तो ये हो जाएगा गॉर्गोनिया। नेक्स्ट है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इज अ, तो जो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है ये है आपका ऑप्शन सी सॉलिटरी पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट। नेक्स्ट है साइटिपिड लार्वा इज फाउंड इन, ऑप्शन बी टीनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटीहेलमिंथीस। नेक्स्ट है हालांकि प्लेटी हेलमंथीज एंड मोलस्का दोनों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से प्लेटी हेलमंथीज होगा, क्योंकि बहुत सिमिलर आपका जो मोलस्कंस हैं उनमें आपका एसिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट है एंडोपैरासिटिक वॉर्म्स बिलोंग टू क्लास, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रीमेटोडा। गट
इज फाउंड इन ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लेटेलेमेंथीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्टोडा। नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग मैच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रीमेटोडा रैबडिटीज। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास सिस्टोडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थ्री पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट है सीडोसील इज फाउंड इन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस के हेलमेंथीज। नेक्स्ट है एंसिस्टमेंट ऑफ अमेबा सर्व फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है मैस्टेक्स इन रोटीफर्स इज अ। राइट आंसर ऑप्शन ए फीडिंग ऑर्गन। नेक्स्ट है विचेरिया बैंक्रोफ्टाई बिलोंग्स टू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेजमीडिया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो अगर आप मैच करा के देखेंगे इसमें तो जो एस्केरिस है ये तो आपका एस्केरिस वाले से ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बी है एलिफेंटाइटिस तो ये आपका होता है विचेरिया बैंक्रोफ्टाई। यानी ए का सेकंड बी का फर्स्ट। अब इस ऑप्शन को देख लें ए का सेकंड और बी का फर्स्ट तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी। बाकी मैच करा के आप देख लें। नेक्स्ट है डैश इज अ डायजेनेटिक प्लेटिहेलमिंथीज। ये है आपका ऑप्शन बी डायजेनेटिक प्लेटिहेलमिंथीज पूछा गया है। तो डायजेनेटिक प्लेटिहेलमिंथीज इसको आप कमेंट करके बताएं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से इसको करिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट है ट्रू साइजो सीलस सीलोम इज फाउंड इन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनिलिडा। नेक्स्ट है सी माउस बिलोंग्स टू फाइलम। तो जो सी माउस है ये बिलोंग होता है आपका एनिलिडा से। नेक्स्ट फिर है आपका मैच द फॉलोइंग। तो इसमें जो एफ्रोडाइट है एफ्रोडाइट आपका मैच करेगा इरेंशिया से और जो आपका सर्प्यूला है तो सर्प्यूला आपका हो जाएगा सीडेंटेरिया से। तो बी का पहला और ए का हो जाएगा चौथा। बी का पहला ए का चौथा राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिनिया यानी स्केल वॉर्म इज अ। राइट आंसर ऑप्शन सी एनिलिडा। पिक आउट द रॉन्ग मैच। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीटोप्टियस यानी लंग वॉर्म। ये रॉन्ग मैच है। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक इज सीलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन। ये पाई जाती है आपका सी एनिमोन में। नेक्स्ट है डैश इज ए
ट्यूबिकोलस पॉलीचीटा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीटोप्टेरस, चीटोप्टेरस। नेक्स्ट है ए डेफिनेट नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इज फाउंड इन, तो ये हो जाएगा आपका लीच में एक डेफिनेट सेगमेंट होते हैं 33। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री मेटामेरिक सेगमेंट कंडीश सेगमेंटेशन सीलोम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये आपका करेक्टरिस्टिक होता है आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्टली मैस्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेटामेरिक सेगमेंटेशन मोलस्क का। रिस्पायरेशन इज बाय बुक लंग इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज़ाइफोस्यूरिया। बॉडी इज कवर्ड विद कैरापेस इन क्रस्टेशिया। नेक्स्ट है साइक्लॉप्स बिलोंग टू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपीपोडा। विच वन इज नॉट अ एप्टेरिगोटा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइफनोप्टेरा। नेक्स्ट है डॉप्सन फ्लाइज बिलोंग टू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरोप्टेरा। डैश इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, बॉम्बेक्स मोराई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक इंसेक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रिप्स। एन एनिमल फाइलम हैविंग रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा, ये कंडीशन पाई जाती है इकैनोडर्मेटा में। नेक्स्ट है हिपेटोपैंक्रियाज इज फाउंड इन, ये आपका पाया जाता है प्रॉन में। नेक्स्ट है डैश इज रिफर्ड एट लिविंग फॉसिल लेमुलस। वाटर फ्ली बिलोंग टू विच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रैंकियोपोडा। नेक्स्ट है डैश इज अ पैरासिटिक ब्रैंकल, ऑप्शन बी सेकुलिना। मैच द फॉलोइंग, इसमें अगर आप मैच कराएंगे तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड यानी नॉपलिस साइक्लॉप्स हो गया, और बी का हो जाएगा आपका मेटानोप्लियस जो है ये आपका पाया जाता है एपस में। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे ए का तीसरा बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा मैच कर रहा है ऑप्शन डी, इसको आप मैच करा लीजिएगा बाकी। नेक्स्ट है डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थोपोडा, ये है आपका पेरिक्लेटस। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट अनसेगमेंटेड एंड बायलेटरी सिमेट्रिकल आर द करेक्टर्स ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोलस्का। ग्लोवॉर्म इज एन, ये एक इंसेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ट्यूब इन ए ट्यूब प्लांट इज एक्सिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, ऑप्शन बी एनिलिडा। करेक्टर कॉमन इन स्पाइडर कॉकरोच एंड सेंटीपीड इज,
तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड आइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, ये है आपका टिक। सी हेयर, ये बोलते हैं आपका एप्लीसिया को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलेंट्रेट, सी पेन। ट्रिपल प्लास्टिक सीलोमेट एंड रेडियली सिमेट्रिकल आर द करेक्टर्स ऑफ, ये है आपका करेक्टर जो है, ये है आपका इकाइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट है फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर फाउंड इन, ये पाए जाते हैं आपका ऑप्शन ए शार्क। एरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट इन, ये आपका हो जाएगा एरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट इन। अब एरिस्टोटल लैंटर्न जो है वो एक्नोडिया में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। नेक्स्ट है एस्टेरोपैक्टिन इज अ सी स्टार। नेक्स्ट है टंग वॉर्म बिलोंग टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटेरोप्न्यूस्टिया। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली मैरीन फॉर्म्स आर फाउंड इन ग्रुप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू सिफेलोकॉर्डेटा। बेलोनोग्लॉसस बिलोंग टू हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट है इन इकाइनोडर्म्स लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूफिट। इन इकाइनोडर्म्स स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, तो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है मेंटल इज फाउंड ओनली इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलस्का। सीपिया इज आल्सो रिफर्ड एज कटल फिश। नेक्स्ट है एप्पल स्नेल इज पाइला। इन ऑक्टोपस फूड इज मॉडिफाइड, फुट इज मॉडिफाइड इनटू 8 arms। नेक्स्ट है मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क, तो मोस्ट प्रिमिटिव आपका मोलस्क है आपका नियोपिलाइना, राइट आंसर ऑप्शन सी नियोपिलाइना। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरिजन पार्टिकल्स बिटवीन द मेंटल एंड द शेल ऑफ द पर्ल ओस्टल एंड दस स्टिमुलेटिंग द पर्ल फॉर्मेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जापान बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिकीमोटो। सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुट इज लोकेटेड ऑन हेड। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक इज डाइजेनेटिक, इट्स इंटरमीडिएट होस्ट आर फ्रेश वाटर स्नेल्स। फ्रेश वाटर स्नेल्स है आपका लाइमनिया एंड प्लेनोरिलिस। नेक्स्ट है स्टार फिश लोकोमोटरी ऑर्गन आर, राइट आंसर ऑप्शन बी ट्यूब फिट। क्लास होलोथुराइडिया इंक्लूड्स,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी कुकुम्बर्स। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट ऑफ लीवर फ्लूक। ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मिरासीडियम स्पोरोसिस रेडियोसर्क्रिया एंड मेटासर्क्रिया। नेक्स्ट है, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच डू नॉट इंक्लूड। तो इसमें आपका माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच में ओमेटिडियम नहीं होता है। इग्डियोसोन इज सिक्रीटेड बाई, इग्डियोसोन इज सिक्रीटेड बाई हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल इज विदाउट स्टेटोसिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियो। नेक्स्ट है, ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्वाइनोसाइट्स। इन स्पंजेस स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्लेरोब्लास्ट। नेक्स्ट है, इन ल्यूकोसोलिनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल बर्डिंग जीमेशन। ए चैम्बर कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ कोरल सिस्टम्स ऑफ स्पंजेस इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट है, इन स्काइफा इनकरेंट कैनाल आर कम्युनिकेट विद द रेडियल कैनाल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉल्ड प्रोजोपाइल। नेक्स्ट है, फाइलोजेनेटिकली स्पंज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ऑप्शन सी, क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। थीसोसाइट्स फंक्शन एज, राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टोरेज सेल्स। स्पंजेस डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे आर हाईली पोरस। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन स्पंजेस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनी इनलेट्स एंड सिंगल आउटलेट्स। इन स्पंजेस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू ए फ्री स्विमिंग सीलेटेड लार्वा कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन ए, एम्फीब्लास्टुला, विच इज नॉट अ लार्वल लार्वा ऑफ स्पंज, राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लेनुला। स्पंजेस आर नॉट फाउंड इन ए कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है, मिरासीडियम लार्वा ऑकर्स इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लुक। नेक्स्ट है, एलिफेंटाइटिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉस्किटो। ऑन द लास्ट सेगमेंट ऑफ एंटीनी ऑफ हाउस फ्लाई देयर इज ए प्लूमोस ब्रिस्टल नोन एज एरिस्टा। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डिपेंड ऑन इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्माइट्स।
हिमोसील इज एन इंसेक्ट इज एक्चुअली अ, तो हिमोसील इज एन इंसेक्ट एक्चुअली अ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रूसीलोम। नेक्स्ट है काइटिनस एंडोस्केलेटन, काइटिनस एंडोस्केलेटन इन द हेड ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन ए टेंटोरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऑकर्स इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉथ्स। ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन एंटीरियर एंड ऑफ प्यूपेरियम ऑफ हाउस फ्लाई इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी टेलिनम। नेक्स्ट है नॉन क्यूटिकुलराइज्ड पार्ट ऑफ इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्रैकियोल्स। नेक्स्ट है स्टोरेज एक्सक्रीशन इज अ फिनोमेनन वेयर नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी फ्रॉम ऑफ, ऑप्शन सी यूरिक एसिड। द निम्स ऑफ कॉकरोच मोल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम प्रोथोरेसिक ग्लैंड। पेल्पिजर्स आर पार्ट ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा पेल्पिजर्स आर पार्ट ऑफ लेबियम। साइप्रिया यानी बोट शेल बिलोंग्स टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम इन यूनियो इज अ, राइट आंसर ऑप्शन बी कीमोरिसेप्टर। ग्लोचिडियम लार्वा बिलोंग्स टू, राइट आंसर ऑप्शन बी यूनियो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट used in aquatic respiration, pulmonary sac। next है chestonuri is a condition where, option c nervous system is asymmetrical due to twisting of visceral nerves into a figure 8, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंक ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए जेट ऑफ ब्लैक इंक विच एक्ट एज ए स्मोक स्क्रीन टू डॉडेज द अटैकिंग एनिमी, सच ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपिया। एक्सक्लूसिवली मैरीन मोलस्क, ये हो जाएगा आपका सिफेलोपॉड्स। एलिफेंट टस्क शेल, तो ये बोलते हैं आपका डेंटेलियम को। एम्बुलेटरी सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स हेल्प इन, राइट आंसर ऑप्शन बी लोकोमोशन। पॉलन वेसिकल्स, पॉलियन वेसिकल्स है, तो ये हो जाएगा आपका बी स्टोरेज, स्टोर वाटर एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्यूब फिट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें आपका जो डी है सर्कुलेटरी फंक्शन।
नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन कोन इज फाउंड इन, ये पाई जाती है आपका यूनियो में। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी स्टार, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है एम्ब्रायो डायप्लूरिया बाइपिनेरिया ब्रैंक्यूलेरिया एंड एडल्ट, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकैनोडर्म्स द आर्म्स स्पाइंस एंड पेडिसिलरी आर एब्सेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी कुकुम्बर। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन अ सी स्टार आर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डर्मल ब्रैंकी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसमें अगर आप मैच कराएंगे तो ल्यूकॉन टाइप जो आपका कैनाल सिस्टम है ये आपका पाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ल्यूकॉन टाइप का पाया जाएगा आपका स्पॉन्जिला में, और जो आपका एस्कोनाइड है ल्यूकोसोलेनिया में, और साइकोनाइड जो है ये आपका पाया जाता है स्काइफा में। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो ये इसको आप मैच करा के देखिए इसमें क्या आपका राइट कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।